हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग। आज का टॉपिक है कि अडेनियम का कॉडेक्स सॉफ्ट क्यों होता है और उसकी रेमेडी क्या है। तो कम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली अपन को क्या लगता है, कॉडेक्स सॉफ्ट हुआ है इसका मतलब रूट रॉट है। दिस इज अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन। रूट रॉट होने का बहुत सारा कॉजेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लो कि आपने अगर अमेज़ॉन या कहीं से ऑर्डर किया है अपना अडेनियम, ठीक है, तो वो आपको भेजते हैं और आप क्या बोलते हो कि इट्स रूट बहुत सॉफ्ट है, ये सॉरी कॉडेक्स बहुत सॉफ्ट है, तो इट इज़ अ वेस्ट प्लांट। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब कहीं से भी आप मंगवाएं ये अडेनियम का पौधा, तो वो कैसे आएगा, एक डार्क बॉक्स में पैक होकर आएगा जहाँ पे ना उसको पानी का सोर्स है ना सनलाइट है। तो क्या होगा कि ये जो कॉडेक्स, बेसिकली कॉडेक्स यानी क्या होता है, ये पार्ट जो स्टोर करके रखता है इसके लिए पानी और जो भी उसको बेसिक चाहिए इन केस ऑफ ड्राउट, सिंपल चीज़ों में। अब वो बॉक्स में 4, 8, 10 दिन रहा, तो उससे क्या हुआ, उसके पास जितना भी मटेरियल था अपने लिए उसने यूज़ कर लिया। अब ये पार्ट क्या होना स्टार्ट हो गया, उसका श्रिंक, क्योंकि उसका सारा न्यूट्रिएंट, सारा पानी ख़त्म हो गया है ना। तो इस वजह से भी कॉडेक्स सॉफ्ट होता है। जैसे और एक वजह होती है, कभी आप जैसे रीपॉटिंग कर रहे हैं और आपके हाथ से ये पूरा अडेनियम का झाड़ गिर गया, तो उसको जो चोट लगती है ना, एक डेंट आ जाता है, एक अलग सा मतलब अंदर चला जाता है उसका कॉडेक्स जो है ना, एंड हो जाता है वो ठीक, बहुत बड़ा इशू नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड। अनदर रीज़न इज डिहाइड्रेशन। रियल में इवन अडेनियम फेसेस डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमको बोला जाता है कि अडेनियम नीड्स लेस वाटर, लेस वाटर, लेस वाटर, और हम उसको इतना कम पानी देते हैं कि बेचारा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो बेसिकली अडेनियम ऑल्सो नीड्स वाटर, ओके। तो दैट इज अगेन वन रीज़न फॉर द सॉफ्ट कॉडेक्स। इसके अलावा मल न्यूट्रिशन होता है, मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स आप पूरे नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस पार्ट का, कम आई टेल यू। ओके, लुक एट दिस अडेनियम, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये प्रेस हो रहा है ना, दिस इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। देखो ये आराम से दब रहा है। अदरवाइज आप जैसे ये लेंगे, ये वाला अडेनियम, इसको आप दबाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं दब रहा है ना, ओके। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब आपका अडेनियम इस तरह से कॉडेक्स दब रहा है तो इट नीड्स वाटर, इट इज डिहाइड्रेटेड। तो ऊपर से तो आप पानी देंगे ही देंगे इसको, लेकिन ऐसे केस में पर्टिकुलरली जब आप कहीं से ट्रांसपोर्ट करके मंगवाए हैं, तो इस तरह से आप इसको पानी में छोड़ेंगे फॉर 24 आवर्स, लेट इट अब्सॉर्ब ऑल वाटर, एंड तुरंत के तुरंत तो ये मोटा नहीं होगा, इट विल टेक 3 to 6 weeks, बट इसकी प्यास ज़रूर बुझ जाएगी और इसका कॉडेक्स जो है 3-4 वीक में ये वापस शेप ले लेगा, ओके। तो सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट कि आपका अडेनियम ट्रैवल करके आया है, डिहाइड्रेटेड है या ड्रॉप्ड है, इसके लिए इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, ओके। लीव इट फॉर 24 आवर्स, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, ओके। नीचे से जो मग है, टब है, उसमें भी पानी भरा हुआ होना चाहिए, ओके। सेकेंड केस होता है माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिएंट्स मिलना प्लांट को। बेसिकली जो अडेनियम कैक्टस सक्यूलेंट्स होते हैं ना, इसको जो सबसे घटिया पॉटिंग मिक्स होता है ना, वो इसके नसीब में है। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज़ द ट्रुथ। सारे प्लांट्स को वेल एकदम फुल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन इस प्लांट के लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेवल, सैंड और बहुत रफ सॉइल यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको बेसिक न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाए तो डेफिनेटली ये कॉडेक्स भी सॉफ्ट होता है। सिंपल, क्या करना है, स्प्रिंकल सम न्यूट्रिएंट्स।
लेकिन इस प्लांट को ओके बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं पसंद है, तो अवॉइड नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स, रादर गिव देम पोटैश और पोटैश रिच एंड फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स. ओके देन वी कम टू अनदर प्रॉब्लम इज, हाँ, और जब रिपोर्टिंग करोगे ना तो डू नॉट फिकेट टू गिव नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, उस टाइम इसको ज़रूरत होता है. ओके देन एक रीज़न होता है कॉडेक्स सॉफ्ट होने का, जब उसके रूट रॉट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आप ऊपर से देख के पता लगा सके. ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप किसी अपने डेनियम को देखते हैं और ये ऊपर से ग्रीन है, से लाइक दिस प्लांट इज ग्रीन ऊपर से, और इसका अगर कॉडेक्स सॉफ्ट है तो इट इज नॉट एट ऑल अ रूट रॉट प्रॉब्लम. गलती से इसको ऐसे निकाल के रूट का ट्रीटमेंट नहीं करना है अपने को. ओके सिंपल है, क्यों ये ऐसा हुआ, इसका कॉडेक्स सॉफ्ट एंड लीव्स आर ग्रीन, इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ पानी का कमी हुआ है. ओके नो नीड टू डिग अप द सॉइल. अगर ये कॉडेक्स सॉफ्ट है, लीव्स येलो हो रहे हैं और ब्रांचेस भी गल रहे हैं, दैट इज डैम श्योर अ रूट रॉट प्रॉब्लम, और उसको निकाल के आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना. तो इसके लिए जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज एंटी फंगल पाउडर. अगर ट्रीटमेंट करते टाइम पे भी थोड़ी प्लांट्स को चोट लग गई है तो भी आप सिनेमन पाउडर या एंटी फंगल पाउडर ज़रूर यूज़ करेंगे. इसके अलावा दो और प्रॉब्लम्स होती है, आई विल बी टेलिंग यू, कम विद मी. एक प्रॉब्लम और आती है जनरली समर्स में कि इसका ये जो कॉडेक्स है ये येलो होता है. अभी तो नहीं हो रहा है, इट इज़ ग्रीन इनफ, पर गर्मी के टाइम पे ये कॉडेक्स येलो हो जाता है. आई अग्री, कॉडेक्स ये अडेनियम को हाई टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है, बट इतनी हार्श भी नहीं पसंद है. एट द एंड इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग, तो इसको भी थोड़ी शांति चाहिए. 3-4 दिन अगर आप इसे छांव में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम भी इसका सॉल्व हो जाएगा. एक चीज़ और है कि आप जैसे विंटर अप्रोच कर रही है तो अडेनियम में एक प्रॉब्लम बहुत आता है, दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि विंटर में प्लांट गोज इनटू डोरमेंसी और हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं जो उसे बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, तो नीचे जो है रूट्स खराब होती है. तो मेक श्योर यू ऑलवेज स्प्रे एंटी फंगल पाउडर्स, ओके, लाइक सिनेमन पाउडर या और आपको केमिकल स्प्रे करना है यू आर फ्री टू डू. तो विंटर में पर्टिकुलरली थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर ज़रूर स्प्रे करें. हमने समर की बात की, विंटर की प्रॉब्लम बात की, रेनी सीजन इज रियली डेंजरस फॉर दिस प्लांट. और क्या होता है कि इतना बारिश आता है ना कि पूरा जो पानी है इसके एट द एंड सॉइल में चला जाता है. एंड हाउ टू सेव योर कॉडेक्स एंड योर प्लांट एट दैट टाइम, इट इज दिस. टेक अ कैरी बैग, एक पॉलिथिन लीजिए, उसको आप थोड़ा कट करिए और इस प्लांट के ऐसे एंड यू स्टेपल इट ओवर हियर. ओके तो इससे क्या होगा कि बारिश का पानी जितना चाहिए वो यहाँ छोटे से छेद में से चला जाएगा, पर बाकी जगह इसका एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा. एंड इन दिस वे यू कैन सेव योर प्लांट फ्रॉम हैवी रेन्स. ओके सो डू रिमेम्बर, इस सब चीज़ के लिए सॉल्यूशंस है, बट एट द एंड दिस इज़ अ लिविंग बीइंग और थोड़ी केयर करनी पड़ती है. धूप पसंद है पर बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट में नहीं रखना है. बारिश पसंद है पर बहुत ज़्यादा इधर दलदल नहीं बनाना है. और ठंड पसंद है क्योंकि इसको सोना पसंद है. सो होप आपका बेसिक जो अडेनियम के प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे. एंड होप यू विल लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई चैनल. That's all. Have a good day. Bye.